Hey guys, welcome back to my new vlog. आज दुर्गा पूजा का सातवां दिन है, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा माता रानी का पट खुल गया, तो मैं यहाँ पे घूम घूम के दिखाऊंगा आपको, पंडाल दिखाऊंगा आपको यहाँ का आज। तो चलिए चलते हैं अभी। आप सबको दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। वह लोग हनुमान नगर पहुँच चुके हैं, अभी हम यहाँ से एंट्री करेंगे। ये है गेट यहाँ का हनुमान नगर के पंडाल का। तो ये देखिए यहाँ कितनी भीड़ उमड़ पड़ी है, माता रानी के दर्शन के लिए भीड़ पूरी उमड़ पड़ी है। और देखिए पूरा दुकान सजा हुआ है, पूरे इस गली को, मंदिर की गली को पूरी तरह से सजाया गया है। देखिए और लोग यहाँ खिलौना भी बेच रहे हैं, सीटी है, खिलौना है, बांसुरी है, मुखौटा है, और भी बहुत कुछ यहाँ पर सब बेच रहे हैं। तो अभी और अंदर चलते हैं। आप यहाँ का सजावट देखिए कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ पे चूड़ियाँ भी मिल रही हैं, चूड़ियाँ हैं, माला है। भीड़ काफ़ी संख्या में बढ़ते ही जा रहा है अभी धीरे धीरे। ये है मेन गेट, तो अब हम यहाँ से एंट्री करेंगे। चलिए माता रानी का दर्शन करवाते हैं आप लोगों को। अब हम तो फाइनली अब हम मंदिर के प्रांगण में आ चुके हैं, तो चलिए अब माता का दर्शन करवाते हैं आप लोगों को। अब हम और आगे चलते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं माता रानी, माता रानी का दर्शन करवाते हैं। ये देखिए यही है हनुमान नगर की माता रानी, कितना भव्य ढंग से सजाया गया है। माता रानी काफ़ी प्यारी दिख रही है यहाँ पे अभी। बाकी आप यहाँ पे दर्शन कर लीजिए, माता का दर्शन कर लीजिए। बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है पूरे मंदिर प्रांगण को, बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है। पूरा भव्य रूप से सजाया गया है माता रानी के पंडाल को। अभी और मैं चारों तरफ घूम के दिखाऊंगा आपको इस मंदिर के प्रांगण में, घूम घूम कर दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे बजरंग बली भी विराजमान है, भोलेनाथ भी हैं, नंदी गैया भी है। तो अभी मैं सबको दिखाऊंगा आपको, तभी दर्शन कीजिए ठीक ढंग से। आप दर्शन कर लीजिए पहले माता जी का, जो कि हनुमान नगर में विराजमान है। हनुमान मंदिर का ये मेन मंदिर है यहाँ पे, दुर्गा मंदिर। जय माता दी। आप सबको दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं, मैया की कृपा बरसती रहे आप लोगों पे। और आगे चलते हैं, दिखाते हैं। ये है मंदिर के प्रांगण का, मंदिर का प्रांगण है ये बाहर का। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हुए हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए। बहुत भीड़ उमड़ पड़ी है यहाँ पे, अभी और भीड़ बढ़ता ही जा रहा है यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने के लिए। बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है, बहुत प्यारा व्यू है। यहाँ पे काली माता विराजमान है, काली माता का भी दर्शन कर लीजिए आप सब। अभी और आगे चलते हैं, अभी बजरंग बली को दिखाएंगे। बजरंग बली का भव्य मूर्ति यहाँ पे स्थापित किया गया है।
यहाँ पे घंटा भी है। राम लक्ष्मण और सीता, जय श्री राम। जय श्री राम, जय भजन, जय बजरंगबली, जय सीता मैया। अब मैं आपको बजरंगबली का दर्शन करवाऊंगा। तो ये देखिए, ये है बजरंगबली, महावीर, हनुमान, जय श्री राम, जय बजरंगबली। आप अच्छे ढंग से दर्शन कर लीजिए भगवान जी का। राधे कृष्ण का है मूर्ति यहाँ पे है, श्री कृष्ण भगवान का भी मूर्ति रखा गया यहाँ पे हनुमान जी के बगल में। ये है नंदी गैया, कितनी खूबसूरत ढंग से बनाया गया है इस मूर्ति को, कितना प्यारा व्यू लग रहा है। अच्छी तरह से दर्शन कर लीजिए भगवान जी का। बस यहाँ का यही व्यू था इस मंदिर प्रांगण का। अब मैं और कहीं चलता हूँ और दिखाऊंगा, फिर यहाँ से निकलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से काली मंदिर का व्यू, बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया है मंदिर प्रांगण को, बड़े बड़े झूमर लगाए गए यहाँ पे, आप देख सकते हैं कितना सुंदर ढंग से सजाया गया है। यहाँ पे प्रसाद भी वितरण किया जा रहा है, अभी सारे लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। फाइनली अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, यहाँ से निकलने के बाद मैं आपको काली मंदिर का व्यू दिखाऊंगा। देखिए बाहर कितना सुंदर ढंग से सजाया गया है, रोड से लेकर के अंदर तक बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है यहाँ पे। ये देखिए, ये भी है काली मंदिर रोड का, कितना सुंदर ढंग से सजाया गया है इसे। तो अब मैं काली मंदिर में स्थित मैया का दर्शन करवाऊंगा आपको। चलिए और आगे चलते हैं, पहुंचने वाले हैं मैया के दरबार, मैया के पंडाल में पहुंचने वाले हैं। देख सकते हैं कितनी सुंदर ढंग से सजाया गया है माँ का दरबार, दर्शन कर लीजिए। पहुंच चुके हैं काली मंदिर के बीच, जय माता, बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है इस पंडाल के पीछे काली मंदिर है अपना। चलिए अब मैं और आगे चलूँगा और दिखाऊंगा अभी दुर्गा मंदिर और। तो ये हम पहुँच चुके हैं जोगीपुर स्थित दुर्गा मंदिर के पास, ऊपर में रावण का स्टैचू बना हुआ है, कितना सुंदर पहाड़ बनाया गया यहाँ पे, कृत्रिम पहाड़ बनाया गया है इसमें, बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया गया है। आप यहाँ के मैया का भी दर्शन कर लीजिए, अच्छी तरह से दर्शन कर लीजिए आप सब।
कितना प्यारा व्यू है। ये है दुर्गा मंदिर, इस ब्लॉग में मैं बस इतना ही दिखाऊंगा आपको, उसके बाद दूसरे वीडियो में मैं दिखाऊंगा घूम घूम कर दूर दूर का पंडाल, दूर दूर जहाँ जहाँ पंडाल बना हुआ है वहाँ का